हेलो एवरी वन माई नेम इज़ सुरभि सिंह एंड टूडे वी विल डिस्कस द वन फिफ्टी प्लस क्वेश्चन फॉर द जनरल साइंस मराथन आप लोग मुझे से पूछ रहे हैं कि ये मराथन क्लास uh, जो आपकी जराथन वीडियो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की डाली है या जो प्ले लिस्ट डाली है टेन एलेवन वीडियोज़ की वो सफिशियंट है कि नहीं डियर स्टूडेंट मैंने कोर्स जो है वो एन सी आर टी का पूरा कवर कर दिया है बट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं बिकॉज अगर मैंने कोई टॉपिक कवर किया है तो उससे एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें आपकी उसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है तो अगर आपने मैराथन क्लास भी देखी है तो ये जो आपकी 150 प्लस क्वेश्चन है इनको जरूर देखिएगा बिकॉज हर एक टॉपिक की जो जो भी टॉपिक लिया गया उसका एप्लीकेशन क्या है उसकी और जैसे ग्लैंड की टॉपिक हो गया आपका मेज़रमेंट का टॉपिक हो गया तो इसके एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं तो आप प्लीज़ जो मैं आपको पर डे मैं आपका पर डे अप टू नेक्स्ट सैटरडे तक मैं आपको पर डे हंड्रेड वन फिफ्टी क्वेश्चन जनरल साइंस की प्रैक्टिस की लाऊँगी और इंग्लिश के भी कुछ प्रपोजिशनस की प्रैक्टिस की क्वेश्चन लाऊंगी तो इनको आप पर डे प्रैक्टिस जरूर करना ठीक है कॉन्फिडेंस आपका उसी से बिल्ड होगा और आपका टॉपिक भी उसी से कवर होगा तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन मैं आपका पिछले मरासन से ले रही हूँ क्योंकि इसमें आंसर एक्चुअली दो हो जा रहे थे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ठीक है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मैंने आपको पढ़ाया है बायो का सबसे लास्ट वीडियो है ये कि आपके दो टाइप के पॉल्यूटेंट हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो आपके नेचर में एज इट इज़ फॉर्म में पाए जाते हैं ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड हो गया ठीक है या आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो नेचर में अपने प्राइम फॉर्म में पाए जाते हैं जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये आपका बेसिकली रिएक्शंस दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से जो आपको मिलता है वो आपको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मिलता है तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जैसे सल्फर डाईऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ये एज इट इज़ आपका नेचर में पाए जाते हैं ठीक है लेकिन अगर हम ओजोन और बेंजीन की बात करते हैं तो जो ओजोन है बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसकी इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है तो आपका ओजोन बनता है तो ओजोन आपका सेकेंडरी secondary... पॉल्यूटेंट हो जाएगा सेम इसी तरीके से बेंजीन भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही हैं ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का भी जो पेपर आता है उसमें एक या दो क्वेश्चन में एरर नहीं होती है अगर आपने बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे तो आपको आइडिया होता है जो आई ए या आई वो एग्ज़ाम्स में भी एक या दो क्वेश्चन जब वो अपनी आंसर शीट रिलीज़ करते हैं आंसर की रिलीज़ करते हैं तो एक या दो क्वेश्चन पर स्टार मार्क दे देते हैं क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक या दो से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं या कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता तो दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि ये आपका बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन पे स्टक तो नहीं हो गए हो दस मिनट या पाँच मिनट आप क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है दो ऑप्शन सही है कोई भी एक ऑप्शन को मार्क करो और आगे बढ़ो इसमें क्या होता है इन क्वेश्चन के मार्क्स है ना सबको मिल जाते हैं ठीक है थीके? तो इसी तरीके से अगर एक आधी मेरे मराथन क्लास में क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ओजोन जोन एंड बेनजीन तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, जल्दी जल्दी नेक्स्ट पर बढ़ते हैं एंड एस्ट्रोनोट सी द कलर ऑफ स्काई एस ब्लू वाइट रेड ब्लैक तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो कलर बेसिकली दिखता है वो आपको ब्लैक कलर दिखता है ठीक है ब्लैक कलर का क्या मतलब है बिकॉज देर इज अ नो एटमोसफेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस ऑफ स्कैटर सनलाइट अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमें स्केटरिंग प्रोसेस के थ्रू आपको ब्लू कलर दिखता है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिख रहा है उसका क्या रीजन है तो स्कैटरिंग होती है बट अगर एस्ट्रोनॉट जो होता है तो वो ऊपर पहुंच चुका रहता है तो उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर नहीं मिलती है एयर नहीं मिलती है तो वहां अ ब्लैक कलर ठीक है so no the color, तो मैंने आपको स्कैटरिंग पढ़ा दिया लेकिन जो इसके एप्लीकेशन हैं वो तो आपको इस तरीके से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक बिकॉज जो एस्ट्रोनॉट है वो आपका एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग को नहीं फील करेगा स्कैटरिंग आपकी जब आप ग्राउंड लेवल से अर्थ से देखोगे तब आपको स्कैटरिंग के थ्रू स्काई का कलर ब्लू दिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो ब्रास है उसका कलर जो होता है वो फेडेड हो जाता है ऑप्शन बी विल बी द राइट वन इन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्कीटोज़ तो मॉस्कीटोज़ को बेसिकली रिमूव uh, करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं बेसिकली वो आपका ऑर्गेनिसोफॉसफेट होता है जिसमें बेसिकली मेलाथीन या एलाथरीन पाया जाता है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एलाथरीन तो मॉस्किटो को जो आप मॉस्किटो रिपेलेंट होता है बच्चों के लिए उसमें जो बेसिकली केमिकल होता है वो आपका एलिथरीन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन एलेक्सेंडर रोबर्ट एडवर्ड जॉन्स आंसर हो जाएगा आपका जॉन्स सॉल्व वेयर इज दल ग्लैंड इज सिचुएटेड आपका पेनियल ग्लैंड जो होती है लिवर ब्रेन किडनी एंड यूट्रस तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपकी पेनियल ब्लैंड होती है वो आपकी ब्रेन में सिचुएटेड होती है इन द अर्थिन पिक्चर इन एन अर्थिन पिक्चर द वॉटर रिमेन्स कॉप्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ तो जो आपका बेसिकली अब सुराही होती है जो आप देखते हो ना कि समर के टाइम में बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं मटका या सुराही हो तो यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा पानी होता है वो ठंडा होता है वो किस वजह से होता है ठीक है तो ये जो मिट्टी के बने हुए जो सुराही होती है इसमें बेसिकली जो पानी ठंडा होता है वो प्रोसेस जो होता है वो आपका एवोप्रेशन होता है ठीक है एवोप्रेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो आपका वाटर है ये आपका वेपर के फॉर्म में चेंज होता है तो इसकी वजह से जो बाहर के एटमोसफेयर से यहाँ पर आपका मिनेट हो जाता है इस वजह से जो उसमें पानी होता है ठंडा होता है कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड वो आपका कंडेंसेशन होता है फ्रीजिंग के लिए बात करेंगे तो बेसिकली फ्रीजिंग आपका होता है कि फेज जो ट्रांजिशन होता है लिक्विड से सॉलिड की ओर तो वो आपका फ्रीजिंग होता है जैसे आइस वगैरह आप जब ना देख रहे हो ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एवोप्रेशन जहाँ पे आपका वाटर होता है वेपर के फॉर्म में चेंज होता है तो ये जो आपका जो सुराही होती है तो ये इसको कूल cool करने का काम करती है इसकी वजह से आपका एवोप्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एसिड डो नॉट कंटेन हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो HNO3 हो गया एच एन एक सेकेंड नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड इज एच एन ओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो एच टू एस ओ फोर हाइड्रोलिक एसिड की बात करेंगे एच सी एल ठीक है और तो यहाँ पर आप देखो एच सी एल जो है एच सी एल में आपका बेसिकली आपका वो नहीं पाया जा रहा है एच सी एल में बेसिकली आपका ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा जब पे है जबकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है यहाँ पर भी ऑक्सीजन है तो यू विल टेक सी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट इज वॉट इज हाइड्रोपोनिक्स तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं दिस इज बेसिकली दिस इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सोलबल रेदर देन सॉयल आप जानते हो कि जो आप प्लांट्स लगाते हो मैक्सिमम आप मिट्टी में लगाते हो ठीक है बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप वाटर के थ्रू भी ग्रो करा सकते हो तो जैसे मनी प्लांट वगैरह हो चुका है उसको आप घर के अंदर वाटर के अंदर भी डाल दोगे तो भी वो ग्रो करता है तो हाइड्रोफोनिक का मतलब है बेसिकली प्लांट्स विदाउट सॉयल एनरिचमेंट तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा

स्पेरिकल फॉर्म ऑफ द रेनड्रॉप इज़ ड्यू टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड सर्फेस टेंशन एटमोस्फेरिक प्रेशर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्फेस टेंशन मैंने आपको फिजिक्स में बताया था जो पानी की ड्रॉपलेट होती है तो जो लिक्विड होता है आपका जो आपका रेनड्रॉप है वो लिक्विड है तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो आपका मिनिमम सर्फेस एरिया को आपका मिनिमम सेफिस एरिया में अपने आप को एडजस्ट करता है तो स्फेरिकल जो शेप है इसमें आप देखोगे जो ये आपका मिनिमम एरिया आपका ले रहा है तो ये बेसिकली क्या होता है जो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी सर्फस टेंशन कहलाती है याद हो आपको मैंने बताया था डायग्राम बनाकर इसमें कि ये आपका लिक्विड होता है तो फोर्स लगता है जो आपका ठीक है फोर्स पर यूनिट एरिया जो हो जाता है वो आपका सर्फिस टेंशन हो जाता है पर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाता है नेक्स्ट बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ़ फ्यूज़ जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ होता है ऑप्शन देख लेते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूज होता है आप अपने घरों में यूज करते हो वो आपका बेसिकली होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिनेबार इज़ एन और ऑफ तो सिनेबार जो है बेसिकली वो आपका मरकरी का और होता है ऑप्शन से आपके लेड मैग्नीज मोलिटिनम मरकरी तो सिनेबार जो है वो आपका मरकरी का ओर होता है मरकरी जो है एज अ एम भी काम करती है मेटल के साथ पंजन स्मेल स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल इज़ ड्यू टू आप देखते हो जो इंडियन टॉयलेट होते हैं जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उसमें अलग सी स्मेल आ रही होती है जो ट्रेन वगैरह के टॉयलेट होते हैं तो वो आपका किस वजह से होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन अमोनिया यूरिया आंसर तो हो जाएगा आपका अमोनिया अमोनिया की वजह से आपको वो प्लस अलग सी स्मेल पंजन सी स्मेल देखने को मिलती है एनर्जी ऑफ द विंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ तो जो एनर्जी होती है विंड की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है पेनीसिलीन इज ऑपटेन फ्रॉम तो पेनेसिलीन की बात करते हैं तो ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बेसिकली आपका फंगस से बनता है ठीक है बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ बॉक्साइट जो है वो आपका एलुमिनियम का ओर है ऑप्शन है आपके एलुमिनियम आयरन कॉपर गोल्ड ठीक है आंसर हो जाएगा आपका एलुमिनियम मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रही हूँ बिकॉज ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं आएगा आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है ठीक है तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पे जितने हिसाब से मैच चल रहे हैं उस हिसाब से आप ऑप्शन पढ़ो आंसर आता है टिक करो आगे बढ़ो नहीं आता है तो क्वेश्चन को लीव करो और आगे बढ़ो ठीक है मतलब एक मिनट से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन पर बिल्कुल मत देना ब्रास इज़ एन alloy ऑफ़ मैंने आपको बताया है ब्रास और ब्रोंज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने का तरीका मैंने बताया है कॉपर तो दोनों में होगा अब देखो ब्रास और मैं ब्रोंज की बात करती हूँ तो ब्रोंज में क्या है जेड आ रहा है ठीक है अगर ब्रोंज में जेड आ रहा है तो कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस टेन ये दोनों कॉम्बिनेशन है अब आपको ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन ब्रास का है कि ये कॉम्बिनेशन ब्रोन्स का है तो यहां पे भी जेड है यहां पे भी जेड है तो ये दोनों आप मैच नहीं कराना ऑपोजिट है कॉपर प्लस जिंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रास एंड कॉपर प्लस टेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोन्स ठीक है याद रखना यहाँ पे जेड है तो यहां पर जेड नहीं होगा तो ब्रास का क्या हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो अगर आपका ब्रोन्स भी पूछ देता है तो भी

वाई इस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेड तो अच्छा क्वेश्चन है ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेसिकली ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और हीमोग्लोविन जो होता है हीमोग्लोविन जो होता है वो यूजुअली द कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है और ये आपका ब्लड सेल में आपका ट्रैवल करने लगता है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड uh, में वाया ऑक्सीजन तो हिमोग्लोबिन जो होता है ये आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो आपकी बॉडी में ट्रेवल करने लगता है बट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द कार्बन मोनो ऑक्साइड और फॉर्म करता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है कार्बोऑक्सी जिसको बोलते हैं बेसिकली कार्बोक्सी हिमोग्लोविन सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ग्रेट एफिनिटी देन ऑक्सीजन ठीक है तो कार्बोक्सिल हिमोग्लोविन जो होता है वो आप, तो आपका ऑक्सीजन के थ्रू आपके ब्लड में पहुंच जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार मतलब हार्मफुल पॉल्यूटेड है तो आंसर हो जाएगा इट रिएक्ट्स विद द हीमोग्लोबिन इस वजह से जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका मतलब हार्मफुल पॉल्यूटेंट है अब मैं आपसे यही कह रही हूँ अब मैंने आपको पॉल्यूशन टॉपिक कवर कर दिया है बट पॉल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड एक आधी जो क्वेश्चन होते हैं आप प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घूम फिर कर हर एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवाइज कर लो और आपके पास लास्ट सिक्स डे है एक घंटा आप आराम से निकाल सकते हो हेडफोन लगाओ जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हुआ है उसको आप कॉपी पेन पर लिख लो कि हाँ मुझे इस टॉपिक को एक बार और अच्छे से कवर करना है ठीक है तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द तो जो आपका ब्लड होता है वो किडनी में बेसिकली रेनल आर्टरी के थ्रू आपका किडनी के अंदर एंटर करता है ऑप्शन हैं एक्सटर्नल लाइक एनर्जी ऑक्सिलरी आर्टरी यूलिनर आर्टरी तो सही हो जाएगा आपका रेनल आर्ट्रेरी के थ्रू किडनी में एंटर करता है हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ द लाइट फर्स्ट गैलीलियो न्यूटन आइंस्टीन रोमर सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन रोमर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कंबाइन टूगेदर टू कीप द कीप द प्लानट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट तो जो आपको पता है कि आपका बेसिकली uh, ऑर्बिट के जो अराउंड चक्कर काट रहा होता है जो भी आपका कोई भी प्लानट होता है तो वो बेसिकली ग्रेविटेशनल और आपका सेंट्रिपिटल फोर्स के थ्रू आपका ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है दोनों ही फोर्स आपका बैलेंस किए होते हैं तो ग्रेविटेशनल और सेंट्रिपिटल फोर्स के थ्रू ये चक्कर काट रहा है अगर ये दोनों बैलेंस नहीं किए होंगे ये दोनों फोर्स नहीं लगेंगे आपका तो बेसिकली आपका प्लानेट में आपका जो भी ऑर्बिट है जो प्लानट में वो घूम नहीं पाएगा ऑर्बिट में तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपेटल फोर्स मगन साहा इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग फील्ड मेडिकल साइंस फिजिक्स इन्वायरमेंटल साइंस हिस्ट्री तो मगन साहा जो है बेसिकली वो आपका फिजिक्स में इन्होंने आपका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीमेंट होता है इसका कॉम्पोजिशन क्या है लाइम स्टोन एलुमिन आयरन ऑक्साइड लाइम स्टोन एंड क्ले लाइम स्टोन एंड जिप्सन क्ले एंड तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाइम स्टोन जो होता है वो आपका सीमेंट में सबसे ज्यादा अच्छे क्वान्टिटी में पाया जाता है दैट इज थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट एलुमिना होता है और आपका अप टू फिफ्टीन परसेंट आपका आयरन ऑक्साइड होता है तो ये आपका सीमेंट का कॉम्पोजिशन है जिसमें लाइम स्टोन थर्टी फाइव टू टू फोर्टी परसेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिबोमेन ग्लैंड आर लोकेटेड ईयर नोज आई स्किन तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले मराथन का तो आपका मिबोमेन ग्लैंड जो है वो आपका आईज में लोकेटेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटेक्स ऑफ बेस्ट प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली पपाया प्लांट, सियल काना प्लांट, रबर प्लांट बनियान प्लांट, तो आंसर हो जाएगा आपका रबर प्लांट ठीक प्ला, है, है जो रबर प्लांट होते हैं यह आपके नेचुरल प्लांट होते हैं जो बेसिकली ब्राज़ीलियन रबर रबर ट्री होते हैं जिसका आपका लेटेक्स होता है जो उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है ऑप्शन आंसर सी विल बी द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इन्वेंटेड डनमो डायनमो बेसिकली डनमो को किसने इन्वेंट किया था माइकल फराडे ने ठीक है डायमोनो डायनमो जो आपका था वो माइकल फराडे ने इन्वेंट किया था आप मुझे बताएंगे कि डायनमो किस लिए यूज़ करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कोई मैकेनिकल क्या करने के लिए यूज़ होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए तो विटामिन ए के लिए अगर हम बात करते हैं कि क्या है आपका गुड सोर्स ऑप्शन देख लेते हैं फिश ऑयल सुगर बनाना कोकोनट ऑयल तो जो आपका विटामिन ए का जो मेन सोर्स होता है वो आपका फ़िश ऑयल लिवर आपका एग ठीक है डेरी प्रोडक्ट कैरेट ये सारी चीज़ें आपकी विटामिन ए की मतलब न, जो होते हैं गुड अमाउंट ऑफ सोर्स होते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फ़िश ऑयल अगर एग और डेयरी प्रोडक्ट होता तो एक या दो से ज़्यादा भी सही हो जाते फ़िलहाल इसमें आपका फ़िश ऑयल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइम स्टोन इज़ अ रॉ मटेरियल यूज बाई विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंडस्ट्री तो लाइम स्टोन जो एक रॉ मटीरियल है इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला आपका हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट इसका मेनली यूज़ हमें रोड और बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है तो रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए देखेंगे तो हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी लाइम स्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज बाई बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीट तो जो आपका कोल के टाइप्स में जो सबसे हार्ड होते हैं वो बेसिकली आपके एंथ्रासाइट होते हैं हाइएस्ट रैंक ऑफ कोल हार्ड ब्रिटल होते हैं ब्लैक होते हैं बेसिकली तो ये इसलिए हम इसको हार्ड कोल भी कहते हैं क्वेश्चन आ सकता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ड कोल तो यू विल एंसर एंथरेसाइट ओके एंथ्रासाइड इज अस्ट्रस कोल एंड अ हार्ड गोल नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमरजेंसी हारमोन इन द ह्यूमेन थायरॉक्सिन इंसुलिन एडनेलाइन प्रोजेस्ट्रॉन तो एंसर हो जाएगा आपका एडेनलाइन एडनलाइन जो होता है इसको हम बेसिकली इमरजेंसी हारमोन भी कहते हैं और ये जो बेसिकली uh, इट इसको एडन इमरजेंसी हारमोन कहते है क्यों है बिकॉज इट इज रिलीज बाई द एडनल ब्रैंड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस और एक्साइटमेंट दिस हारमोन्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसलिए हम इसको फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं ठीक है फाइट रिस्पॉन्स या आपका इमरजेंसी हारमोन जो होता है वो आपका एडरल लाइन होता है विच ऑफ दैट फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड वेव डेसिबल कैंडेला मैक तो जो बेसिकली आपका कैंडला होता है वो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बेसिकली मेज़र किया जाता है ठीक है तो बाकी हर्ट्स आपका फ्रीक्वेंसी के लिए मेज़र किया जाता है मैक भी आपका बेसिकली साउंड के लिए मेज़र किया जाता है डेसिबल भी आपका साउंड के लिए मेज़र किया जाता है तो जो आपका साउंड वेव के लिए है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कैंडला ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंग इन्वेंटेड लेज़र लेज़र का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट है आपका लेज़र का फुल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है लेज़र जो आपका होता है बेसिकली लेज़र लाइट जो आप डेली लाइफ में जो देखते हैं ना प्रिंटेड वो होता है जो मतलब प्रिंटेड आप लेज़र लाइट्स यूज़ करते हैं लेज़र गन यूज़ करते हैं बेसिकली तो लेज़र का फुल फॉर्म मैंने पहले भी पूछा था किसी ने आंसर नहीं किया था लास्ट वाले इसमें लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ठीक है लेज़र लाइट बेसिकली ये क्या करती है आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करती है लाइट एम्प्लीफिकेशन एल इज़ एल इज़ लाइट ए इज़ एम्प्लीफिकेशन एस इज़ बाई स्टमेशन ठीक है ई इज़ एमिशन एंड आर इज रेडिएशन तो बेसिकली जो आपका लाइट एमिशन है उसको आ, किसने इन्वेंट किया था विलियम मोटन थेरोडोर मैमन डेनिस फ्रेंसिस तो आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली थेडोर मैमन ने आपका इसको इन्वेंट किया था द कलर ऑफ द लिक्विफाइड ऑक्सीजन तो जो आपको पता है कि जो नॉर्मल गैसियस ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली आपका कलरलेस होती है लेकिन अगर हम लिक्विफाइड गैस की बात करते हैं प्योर वाइट डार्क ब्लू ग्रीन पेल ब्लू तो जो आपकी लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली पेल ब्लू कलर की होती है ये इसका रीज़न होता है कि एक्चुअली स्ट्रॉन्गली पैरा मैग्नेटिक होती है बहुत मटेरियल की डेप्थ में जाएंगे तो इतना ज़रूरी नहीं है आप बस इतना याद रखना कि पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है और जो ऑक्सीजन है बेसिकली आपका जो गैस ऑक्सीजन है वो आपका कलरलेस होगा बट अगर हम लिक्विफाइड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो बैल ब्लू कलर का होगा फिनॉल इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपका फिनॉल होता है बेसिकली तो वो किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है पी वी सी पॉलीविन क्लोराइड नायलॉन पोलिस्टरिन बेकेलाइट तो बेसिकली फिनॉल का जो पॉलिमराइज़ेशन होता है पॉलिमराइज़ेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल डिहाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली और एसिड बेसिकली गिव्स बैकेलाइट ठीक है बेकेलाइट जो होता है वो आपका फिनॉल एंड आपका फॉर्मेलिडी इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिकली एल्कली या कोई भी एसिड के प्रेजेंस में ये आपका बेकेलाइट देता है तो फेनॉल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट ये सब पेट क्वेश्चन है ये रिपीटेड होते रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन घूम फिर कर आ जाएंगे डैश कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द अर्थ तो जो अर्थ है उसकी कोर में आपको बेसिकली कौन से दो मटेरियल मिलेंगे आयरन एंड निकेल नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो जो आपका अर्थ की कोर में जो आपको मिलता है वो मिलता है आपका आयरन एंड निकेल आयरन आपका 85 परसेंट अराउंड होता है 5 परसेंट आपका निकेल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द देवियस्ट मेटल फॉन्ड इन द अर्थ ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं गोल्ड ऑस्मियम प्लेटिनम सोडियम आंसर हो जाएगा आपका ऑस्मियम जो आपका सबसे हेवीएस्ट मेटल है अर्थ का द गैस विच स्मेल्स लाइक अ रोटन एग तो जो क्लोरीन ब्रोमीन मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो बेसिकली आपका स्टूएस हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो आपका रोटन एग की तरह स्मेल करता है बेसिकली जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है ये याद रखना ये कलरलेस होता है ठीक है और लेकिन स्मेल किसकी रोटेन एग की तरह होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो आपका हो जाएगा सिल्वर बट सिल्वर आपका कॉस्टली होता है इस वजह से हम उसको कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते हैं बट बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब भी पूछा जाएगा तो आंसर आप टिक करोगे सिल्वर को नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कलर ब्लाइंडनेस तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए बात करते हैं तो डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल कौन सेल रॉड सेल न्यूरोन तो जो आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो यूज़ होता है वो आपका बेसिकली किस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो आपका हो जाएगा कोन सेल जो रेटिना में आपके कोन सेल पाए जाते हैं वो आपकी कलर ब्लाइंडनेस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वेश्चन uh, इस तरीके से भी आता है कि आप अपनी आइज़ का कौन सा पार्ट डोनेट कर सकते हो तो कॉर्निया है जिसको आप डोनेट करोगे वेन सोडियम बाई कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रॉगली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म तो अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री को हीट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली वन सेवेंटी डिग्री सेंटिग्रेड पर तो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस आपका एच टू ओ प्लस कार्बन डाईऑक्साइड सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाईऑक्साइड बेसिकली बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम थाइमस टॉन्सल ब्रेन स्प्लिन तो जो ब्रेन है वो आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं होता है ठीक है एयर हैज़ अ मैक्समम प्रपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस तो अगर हम एयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है वो सेवेंटी एट परसेंट अप्रोक्स होता है ऑक्सीजन जो है वो आपका ट्वेंटी वन अप्रोक्स परसेंट होता है और उसके अलावा जो आपका बचता है पॉइंट नाइन समथिंग वो आपका पॉइंट नाइन सिक्स करके तो वो आपके इनर्ट गैस होते हैं और जो सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस पाई जाती है वो है आपकी ऑर्गन ठीक है ऑर्गन इज़ द राइट आंसर विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन अर्थोराइटिस क्वासिकोर क्वाइटर नाइट ब्लाइंडनेस तो आपका जो क्वासिकोर है वो आपका बेसिकली प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज है फेराड इज़ द यूनिट फेराड इज द यूनिट ऑफ फेराडे बोलते हैं ये कैप्सीटेंस रिएक्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आपको बेसिकली पता है कि गुलाम होती है चार्ज आपका गुलाम यूनिट होता है उसके अलावा इलेक्ट्रिक कंड कंडक्टेंस की यूनिट्स बोलेंगे तो ये आपका ओम हो गया रिएक्टेंस या कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स बेसिकली हो जाएगा रिएक्टेंस की यूनिट आपकी ओम है कंडक्टेंस की यूनिट्स बेसिकली हम सीमें रिएक्टेंस की यूनिट्स बेसिकली ओम है एक तरीके से समझो कंडक्टेंस की यूनिट्स आपकी सीमेंस हो जाएगी कैप्सिटेंस की यूनिट होती है आपकी फैराडे ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज इन द ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग फॉस्फोरस बेस्ड सिल्कन बेस्ड आयरन बेस्ड सल्फर बेस्ड तो आपका जो सल्फर बेस्ड बेसिकली जो केमिकल होता है वो आपके हेयर को सेट करने के लिए यूज़ होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो एड्स है सिरोसिस सिरासिस बोलते हैं हेपेटाइटिस है, बी और आपका सेफिल साइफिल्स जो होता है तो एड्स आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ है आपका ट्रांसमिट होता है सिरोसिस की बात करते हैं सिरोसिस जो होता है बेसिकली सिरोसिस आपका जो है ये आपका ट्रांस ट्रांसफरेबल नहीं है लिवर के डैमेज की वजह से हम बेसिकली इसको सिरोसिस जो डिसीज़ होती है वो होती है हेपेटाइटिस बी भी आपका ट्रांसफरेबल है वन पर्सन टू टू सेकेंड पर्सन साइफिस जो आपका है साइफिस भी बेसिकली आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है एस बोलते हैं इसको तो ये तीनों आपके बेसिकली ट्रांसफरेबल हैं एक्सेप्ट सिरोसिस सिरोसिस आपका लिवर इन्फेक्शन है जो आपका ट्रांसमिट नहीं होता है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नोसिस अ हार्ट प्रॉब्लम तो हार्ट प्रॉब्लम आपका ई ई जी ई सी जी बी सी जी ई सी टी आंसर हो जाएगा ई सी जी ई सी जी होता है जो आपका हार्ट के में हेल्प करता है चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ जिंक, कोबाल्ट, लेड। तो निकेल का कंटेंट जो होता है वो आपके चॉकलेट में ज़्यादा होता है इसकी वजह से वो आपके हेल्थ को डैमेज करता है Which of the following diseases is caused by dog bite? ये तो common question है influenza, scurvy, cancer, rabies. तो answer हो जाएगा आपका rabies जो आपके dog के काटने से पहले सत्रह थारा injections लगते थे, अब तो तीन injections में आपका काम हो जाता है, तो rabies disease के होने के chances ज्यादा होते हैं. Dash is the richest source of vitamin B. Apple, pearls, biscuit, cereal, cereals, cereals जो होते हैं आपके वो आपके vitamin B के richest source होते हैं. स्पीड तेज तो नहीं हो रही है डियर स्टोर स्पीड तेज हो रही हो बट स्पीड इसका इसमें करना ही नहीं है मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए जिसको आपको देखना है टिक करना है आगे निकल जाना है

हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट लीची एप्पल पोमोग्रेट पपाया तो जो आपका लीची है बेसिकली लीची में आपका एक सिंगल सीड पाई जाती है तो दिस इज नॉट द मल्टी सीड्स फ्रूट। कुछ एक आधे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक या दो से ज़्यादा भी ऑप्शन सही होंगे घबराने की बात नहीं ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल मतलब ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए गए हैं अगर आपको एक या दो एक से ज़्यादा कहीं ऑप्शन सही लग रहे होंगे तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दिस इज वॉट दट टू वे कम्युनिकेशन टू वे अंडरस्टैंडिंग कि आप पढ़ रहे हो आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ रहे हो इट्स नॉट कि मतलब वन वे है कि मैंने जो बोल दिया वही सही है आप अपना आपकी जो नॉलेज है आप मेरे साथ शेयर करो मेरी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दैट्स वाई द कंटिन्यूएशन विल गो ऑन एंड ऑफ्टोनोलॉजिस्ट इज द वन हु ट्रीज जो आपकी बेसिकली ऑफ्थलमोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन लेम्स आइज स्किन किसको देखते हैं वो आपके आइज को बेसिकली ट्रीट करते हैं ऑर्थोपेडिक्स तो होते हैं जो हड्डियों के होते हैं तो ये सब बेसिकली जो कॉमन नेम है वो आप ध्यान रख लेना एविएशन फूल फ्यूल फॉर गेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड पेट्रोल कैरोसिन गैसलाइन डीजल तो बेसिकली कैरोसिन जो होता है एविएशन फ्यूल में यूज़ किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए ठीक है एरोप्लेन को प्योरीफाई करने के लिए द साउंड द वेव यूज इन द सोनोग्राफी तो साउंड वेव अल्ट्रासोनिक वेव माइक्रोवेव इंफ्रा रेड तो बेसिकली जो यूज होता है वो होता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए होता है वो आपका कैल्शियम विटामिन ए आयरन विटामिन बी ट्वेल्व आयरन है जो आपका हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ़ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी कॉस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी लेमनोलॉजी आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपको पता है जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मतलब ग्रह नक्षत्र को देख कर बताते हैं यहाँ पर कह रहा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इसके लिए कॉस्मोलॉजी हो जाएगा सिस्मोलॉजी बेसिकली अर्थक्वेक वगैरह जो इन सब चीज़ों को देखने के लिए बताया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरी ऑटोमोबाइल बैटरी जो होती है उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड तो वहाँ पर जो यूज होता है वह है आपका सी सल्फ्योरिक एसड सल्फ्योरिक एसिड जो है वो आपका बेसिकली ऑटोमोबाइल बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है चौक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ चौक आपको पता है जो आप ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करने के लिए बचपन में अगर आपने पढ़ा हो तो ब्लैक बोर्ड पर जो आप वाइट चौक लिखते थे वो सॉरी वो बेसिकली किसका फॉर्म है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम एसीडेट सोडियम कार्बोनेट अभी मैंने आपको पहले बताया कैल्शियम कार्बोनेट जो है जो आपका चौक और मॉर्बल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन इन बायोगैस कैल्शियम डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड मेथीन जो आपका बेसिकली बायोगैस uh, होता है उसमें मीथिन का कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ फ्यूल फॉर फ्यूचर तो फ्यूचर के लिए हिसाब से जो uh, फ्यूल होगा वो आपका नेचुरल गैस शेल गैस हाइड्रोजन अल्कोहल आंसर हो जाएगा आपका सी हाइड्रोजन विच गैस वॉज रिलीज एन भोपाल गैस ट्रेट ट्रेजिडी वॉज अकर्ड तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस आपकी रिलीज हुई थी मेथिल साइनाइड मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल नाइट्रेज नाइट्रोजन साइनाइड तो वहाँ पर आपका मेथिल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो रिलीज हुई थी बहुत फेमस है वो भोपाल जो आपकी ट्रेजिडी हुई थी उसको आप एक बार गूगल करके देख लेना नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी नेफ्रॉन uh, जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रस्परेटरी सिस्टम तो नेफ्रॉन जो है आपका बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है मैंने आपको बहुत सारे सिस्टम ये सारे बताए थे एक्सक्रेटरी सिस्टम को मैंने स्पेशली अलग से नहीं बताया था छोटे ही पार्ट थे इसमें बेसिकली आप इसको एक बार देख लेना मतलब मैंने बाकी सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसमें मुझे छो मतलब वीडियो मैंने नहीं बना पाया छोटा सा दो तीन स्लाइड का काम है बेसिकली नेफ्रॉन जो होता है ये बेसिकली किडनी फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली बेसिकली यूरिन जो आपका जो वेस्ट होता है उसको आपका बेसिकली ब्लड में जो भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है ठीक है तो अगर हम एक किडनी में बात करते हैं तो अप्रोक्सिमेटली दस लाख अप्रोक्स एक लाख दस लाख आपके न्यूफ्रॉन होते हैं तो ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है किडनी किडनी के बाद जितनी सारी चीज़ें आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में रिलेटेड होती हैं विच ऑफ द साउंड इज यूज बाई बैट्स टू नेविगेट तो मैंने आपको बताया था जो डॉग बैट्स होते हैं मंकी होते हैं ये जो एनिमल होते हैं बेसिकली ये आपके अल्ट्रासोनिक साउंड को बेसिकली सुन सकते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी सैमुअल हैनमैन हाइपोक्रै चार्क आपका श्रोथरा तो एंसर हो जाएगा आपका सुश्रूथरा नहीं सैमुअल हैनमैन ठीक है वॉट इज विटी कल्चर ठीक है तो ये आपका जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स टाइप ऑफ प्रीमेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सुगर कैन तो जो आपका बेसिकली ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम बेसिकली विटी कल्चर बोलते हैं द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन स्टील आयरन एलोमिनियम तो मैंने बताया था जो आपका एलमोनियम है वो आपका सबसे ज़्यादा मेटल मेटल की बात कर रहे हैं तो आपका अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है विच ऑफ फॉलोइंग मेटल हाईली पॉल्यूट द वाटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है वाटर पॉल्यूशन जो है आर्सैनिक जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करता है आपके वाटर को ठीक है और बहुत हार्मफुल भी होता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ यूजली नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन सल्फर डाईऑक्साइड कार्बन डाईऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है वो है आपका बेसिकली नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो आपका एयर पॉल्यूटेंट नहीं होता है स्लोप ऑफ अ वोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रजेंट जो विलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है वी बाई टी जो होता है आपका वो आपका बेसिकली एक्सकलेशन को बताता है ठीक है डिस्प्लेसमेंट डी डिस्टेंस स्पीड स्पीड आपको पता है स्पीड का जो ग्राफ है वो हो जाएगा v इक्वल्स टू डी बाई टी और जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका v बाई टी हो जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाइएस्ट इन टूल स्टील स्टील कास्ट आयरन सोल्डर ये भी मेरे वीडियो में ही आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा कास्ट आयरन होते हैं जिसमें आयरन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है फिर हम इसी से स्टील रॉट आयरन बनाते हैं तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो क्या नाम है वो आपका रॉट आयरन होता है ठीक है जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है लेस देन 1.5 परसेंट समथिंग होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा फायर एक्सट्रिंगशर एंड एसिड एंड एसिड रिमूविंग हार्डनेस ऑफ द वाटर तो हार्डनेस ऑफ द वाटर में आपका बेसिकली यूज़ जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका यूज़ नहीं होता है द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ कॉस्ड बाई नाइट्रोस नाइट्रोसोक्साइड कार्बन डाईऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोबन मीथेन तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था क्लोरोफ्लोरोबन जो है जो आपका रेफ्रिजरेटर में ए सी में यूज़ होता है ये आपका ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा था इसकी वजह से हम हाइड्रो एच एफ सी को यूज़ कर रहे थे आपका स्टेटोसफेयर में बेसिकली ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रा वॉयलेट रेस को अर्थ पर आने से प्रोटेक्ट करती है तो जो क्लोरोफ्लोरोबन हम बेसिकली रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ कर रहे हैं ये जो हमारे एटमोस मतलब जो आपकी स्टेटोसफेयर लेयर है इसको डिप्लेट कर रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इंसुलेटर ग्राफ ग्रेफाइट सिल्वर रबर कॉपर तो जो आपका रबर होता है वो एज अ इंसुलेटर काम करता है ऑप्शन सी विल बी द राइट वन एस्कॉर्बिक एसिड इज एंजाइम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन तो जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो है आपका विटामिन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूज जर्मन सिल्वर पर जिंक निकल सिल्वर तो आपका जो जर्मन सिल्वर होता है इट इज़ अ कम्पोज ऑफ थ्री मेजर एलिमेंट उसमें आपका कॉपर जिंक और आपका निकिल होता है ठीक है एंड समटाइम्स विद द ट्रेस ऑफ टिन एंड लेड तो उसमें जो नहीं होता है वो आपका सिल्वर नहीं होता है नाम से कन्फ्यूज़ मत होना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है कॉपर जिंक निकल और थोड़ा सा आपका टिन और लेड भी होता है ठीक है लेड लेड टेन और भी होता है स्मॉल क्वांटिटी में ठीक है बट जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो आपका कॉपर जिंक और निकल का होगा जिसमें 50 से 60 परसेंट जिंक होता है अप्रोक्समेटली 17 टू 90 परसेंट निकल होता है ठीक है तो ये चीजें आप ध्यान रखना जर्मन सिल्वर जो है ये आपका लॉन्ग मतलब बेसिकली लॉन्ग एग्जिस्टेंस में होता है ये आपका बेसिकली देर आर अ अलियन ऑफ सिल्वर प्रोडक्ट इन द मार्केट विद अ डिफरेंट नेम जो आपका जर्मन सिल्वर है ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना ये आपका वे हार्ड होता है और वेट में इसका बहुत लाइट होता है हाईली रेजिस्टेंट टू तो इलेक्ट्रिसिटी होता है तो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि ये आपका कम लेस एक्सपेंसिव होता है ठीक है और आपका ये आपका मैलेबल भी होता है और आपका डक्टाइल भी होता है तो ये सारी आपकी सिल्वर की प्रॉपर्टी है व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड हाईली बेसिक स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक स्लाइटली एसिडिक तो जो आपका पीएच होता है स्केल इस सेवन से नीचे आपके सारे एसिडिक होते हैं सेवन से ऊपर सारे आपके बेस होते हैं तो बेसिकली जो सेवन है तो आपका जो पी ह्यूमन ब्लड का होता है सेवन से सेवन होता है तो ये आपका स्लाइटली बेसिक होता है ठीक है जो आपका ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो आपका बेसिकली स्लाइटली बेसिक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन बर्निंग ऑफ रबर बर्निंग ऑफ पेट्रोल यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी ऑल ऑफ दिस तो जो आपका सोलर एनर्जी है हम इसको यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं सनलाइट एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए हम सिलिकॉन के जो आपके इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिलिकॉन के बनाते हैं तो सोलर एनर्जी जो होता है वो आपका कोई भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है आंसर सी विल बी द राइट वन हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जो आपकी हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपकी रेड कैटेगरी में आते हैं रेड अलर्ट जो बोलते हैं ना रेड कैटेगरी में आते हैं अल्ट्रा प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल इज डन बाई स्लगिंग लीचिंग जोन मेल्टिंग स्मेल्टिंग तो आंसर हो जाएगा आपका जोन मेल्टिंग जो आपका मैं मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं वो बेसिकली हम जोन मेल्टिंग के थ्रू करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉन्ड इन द ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली वो हमारा सेमी कंडक्टर का होता है ट्रांजिस्टर डी जे टी ट्रांजिस्टर मॉसफेस ट्रांजस्टर जो हम इसको बोलते हैं बाईपोलर जंक्सन ट्रांजिस्टर वो हमारा जर्मीनियम का बना होता है सिल्वर लेड क्रोमियम ये सारे आपके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे जर्मीनियम इज़ द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट तो पिजन लिजार्ड फिस और लाइन तो आपके लिजार्ड जो आपके बेसिकली जो जैसे ऐसे जो क्रोकोडाइल हो गए बेसिकली लिजार्ड हो गए ठीक है तो ये सारे जो एनिमल हैं ये आपके थ्री चैम्बर्ड हार्ट को रखते हैं इसमें से लिजार्ड आपका सही हो जाएगा ठीक है द मिक्सचर ऑफ सेवेंटी थ्री परसेंट आयरन एंड द एटीन परसेंट क्रोमियम एट परसेंट निकल एंड वन परसेंट कॉम्स कार्बन फॉर्म्स तो ये आपका स्टील आपका स्टेनलेस स्टील जो होता है ठीक है आपका स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील होता है जो ठीक है नहीं, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका कॉम्बिनेशन है आयरन क्रोमियम एटीन परसेंट ये याद रखना क्रोमियम जो है आपका एटीन परसेंट में होता है आंसर सी विल बी द राइट वन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉसफोरस आपका स्केलेट फॉस्फोरस वॉयलेट फॉस्फोरस तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है द टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रजेंट इन द अडल्ट कैट तो जो आपकी अडल्ट कैट होती हैं उसमें आपका टोटल थर्टी टीथ प्रेजेंट होते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग गिव्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ द विटामिन सी जो साइट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे जैसे बनाना पोटैटो मीट यहाँ पे रोंग हो जाएंगे साइट्रस फ्रूट लाइक लेमन कह सकते हैं आपका ऑरेंजेस कह सकते हैं इन सब में आपका विटामिन सी ज़्यादा होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विटामिन के इज कैल्शियम absorption, स्किन हेल्थ ब्लड clotting, इम्यून सिस्टम तो जो आपका विटामिन के है इसका जो प्राइम फंक्शन है वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग का नेक्स्ट इज what इज द हेलोटोस हेलोटिसिस कॉमन नोन एज ब्लड प्रेशर हेड एक बैड ब्रीथ और फ्लू तो जो आपकी सांसों में जो बदबू आती है उसको बेसिकली हम आपका हेलोटोस कहते हैं बैड ब्रीथ इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकोसिस इज अ डिसीज रिलेटेड टू तो जो सेलोकॉसिस डिसीज़ है वो आपका बेसिकली लंग्स से रिलेटेड है लंग्स में इन्फेक्शन जो होता है उसको उसको हम सिलोकासिस कहते हैं वॉट हु इज़ द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी ये पुराना क्वेश्चन है आपका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन ठीक है ये आपका राइट right आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक वाटर मिनरल एंजाइम एयर तो जो फूड को डाइजेस्ट करने में जो ए, सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो आपके एंजाइम्स होते हैं ठीक है मतलब मिनरल का भी रोल है वाटर का भी रोल है एयर का भी रोल है बट मोस्टली नीडेड जो है वो आपके एंजाइम हो जाएंगे बोथ हिमोग्लोबिन एंड माओग्लोबिन रिक्वायर्स टू फॉर्मेशन तो ये आपका कैल्शियम आयरन विटामिन बी ट्वेल्व नन ऑफ द अब तो एंसर हो जाएगा आपका आयरन हिमोग्लोबिन एंड आपका माओग्लोबिन रिक्वायर्स आयरन टू फॉर्मेशन ये आपको आयरन का रिक्वायरमेंट होता है हीमोग्लोबिन और आपको मायोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मूल इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ करंट करंट की एम्पियर होती है टेम्परेचर की आपकी कैलविन होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिन इंटेंसिटी की कैंडेला हो जाएगी तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट होती है आपका मूल ठीक है फ्रॉग आर फ्रॉक्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ट्रू फॉल्स नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ दीज तो जो फ्रॉक्स होते हैं वो आपके कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं ट्रू है ये टेस्ट ये बेसिकली यहाँ पर गलत लिखा है टेल्सा लिखा है टेस्ला इज़ द मैक्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है आपकी टेस्ला होती है विच आर मंग फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर आपका थाइराइड पै एडर्नल थाइमिस तो जो आपका ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करती है वो आपकी एडर्नल होती है ठीक है एडर्नल जो है आपकी एडर्नल ग्लैंड होती है जो आपका बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है तो ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम आपका जो ये आपका हो जाता है ऑक्सीजन है जो आपका रिलीज करता है ये ऑप्शन से आप थोड़ा कन्फ्यूज़ मत हो प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है सी ओ टू है ठीक है और ये आपका एच टू है तो ऑक्सीजन इन फोटोसेंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज को हम जब आप देखते हैं ना तो आप इसको तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो आता है आपका बेसिकली वो आपका वो आपका बेसिकली वाटर से रिलीज होता है आंसर हो जाएगा आपका एच टू ओ विच वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक तो निमो, निमोनाइसिन पेनसिलीन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन तो आंसर हो जाएगा फ़र्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक थी वो आपकी थी पेनिसिलिन विनीगर जो है विनीगर का जो कॉमन नेम है वो क्या है एसिटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड साइट्रिक एसिड ऑक्सीलिक एसिड तो विनीगर जो है उसका कॉमन नाम है आपका एसिटिक एसिड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगनसम तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है माउथ स्टमक लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन तो जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो आपका स्टमक में ही शुरू हो जाता है एनोसोमिया इज़ लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच लॉस ऑफ सेंस ऑफ हीट तो जो आपका एनोसूमिया है वो आपका लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो जाता है कोविड के टाइम पर देखा था आपने कि आपको महक नहीं आ रही थी द्लांट विच कंटेन्स फ्लावर एंड सीड्स आर क्लॉ कॉल्ड फेनेरियो गेम्स क्रैप्टो गेम्स आपका कैमिनोस्पर्म आपका एनजियोस्पर्म तो एनजियोस्पम जो होता है आपका वो होता है इसमें आपका फ्लावर और सीड्स दोनों होते हैं द ट्री हूज लीव्स आर यूज एज अना एक्कासिया इंडोकफेरा फेस और लासोनिया तो एंसर हो जाएगा आपका लॉसोनिया जहाँ पर आपके लीवस होते हैं वो आपकी मेहंदी के पत्ते एज अना की तरह यूज़ होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी फैट प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट तो फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं ये आपकी अनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो विटामिन होता है वो आपका एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता है विच वन एम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कलर इन द रबो तो रेनबो का कलर आपका मैंने बताया था वेब वेबग्योर अब आप इसी से चेक कर सकते हो ब्लैक है तो वेब वेबग्योर में नहीं आता है बी जो यहाँ पर है ये बी स्टैंड करता है ब्लू के लिए इंडिगो है आपका वॉयलेट है तो आंसर हो जाएगा ब्लैक ब्लैक इज़ नॉट द कलर ऑफ द रेनबो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 एट डिग्री सेंटीग्रेड 86 सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड नाइन्टी फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो आंसर हो जाएगा आपका 78 एट डिग्री सेंटीग्रेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन जो यूरिन होता है आपका लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन किडनी लिवर तो जो यूरिन है वो आपका बेसिकली किडनी में प्रोड्यूस होता है किडनी का काम ही होता है ब्लड सेल में जो आपकी अनवांटेड चीज़ होती है तो उसको ब्लड को आपका जो वेस्ट होता है उसको आपका यूरिन में कन्वर्ट कर देता है तो ये काम आपका किडनी करता है बर्ड यूजली हैव अ सिंगल किडनी लंग्स टेस्टाइन ओवरी तो बर्ड्स के पास आपकी सिंगल ओवरी होती है द ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी साइकोलो साइकोलॉजी फिजियोलॉजी तो जो साइटोलॉजी है वहाँ पर बेसिकली हम बायोलॉजी का जब सेल है सेल की स्टडी करते हैं मस्ट ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज इन येल्लो लैम्प्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट न्यून सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो जो आपका जो स्ट्रीट लाइट के लैम्प्स में यूज़ होता है वो आपका बेसिकली सोडियम यूज़ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीजिज एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू इट्स लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो आंसर हो जाएगा आपका लो एटमोस्फेरिक प्रेशर लो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका हायर एल्टीट्यूड पर डिक्रीज कर जाता है एक The boiling point of the water decreases at higher altitude due to its low temperature, high temperature, low atmospheric pressure, high atmospheric pressure. तो जो आपका water है वो higher altitude पे उसका boiling point decrease कर जाता है because of the low atmospheric pressure. एक आधी टॉपिक के जो इस टाइप से बचे रह गए हैं मेरे स्लाइड्स में बट मैं उससे रिलेटेड आपको एम करा दे रही हूँ इसीलिए आपका एम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मतलब टच नहीं किया है मैंने बट कॉमन सेंस के टॉपिक हैं जो आप इनको टिक करके लगा सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग दर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी लंग्स हार्ट लिवर किडनी तो किडनी जो है वो आपका वाटर को बैलेंस रखता है वो आपका टाइम टू टाइम पे आपका मतलब छानता है और यूरिन को पास करने देता है तो वाटर का बैलेंस का काम किडनी करती है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर फ्लोरीन लेड सल्फर पोटेशियम तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम पोटेशियम जो है वो आपका एज अ फर्टिलाइजर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल द एसिड कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर तो जो एसिड में होता है वो वहाँ पर आपका एच पाया जाता है देखो क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा के पूछा जाता है तो सारे एसिड में जो है वो आपका हाइड्रोजन मिलता है पल्सिस आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट प्रोटीन जो दाल होती है वो आपका प्रोटीन का अच्छा सोर्स है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल डी पेपर प्लास्टिक एलुमिनियम तो प्ला, पेपर जो है ये आपका बायोडिग्रेडेबल है ठीक है ईजीली आपका ये डिग्रेड कर जाता है द नॉट इज यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ शिप स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ रॉकेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन तो जो नॉट होता है वो आपका शिप की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम बेसिकली दर्गन विच इज लाइकली डैमेज ड्यू टू हैवी ड्रिंकिंग तो ज्यादा मतलब ड्रिंक करने का ड्रिंक करने का मतलब है ज्यादा आपका अल्कोहल कंजप्शन करने से आपका जो है वो लीवर आपका डैमेज कर जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन तो लैक ऑफ आयरन से आपको पता है क्रिकेट मलेरिया एनीमिया स्कर्वी या एनीमिया जो बीमारी होती है खून की कमी जो होती है बेसिकली वो आपकी लैक ऑफ आयरन यानी आयरन की कमी की वजह से जो आपकी एनीमिया होता है जेनेटिक एनर्जी इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल नन ऑफ दिस तो बी टेक वाले तो टिक कर लोगे उन्होंने तो कभी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल में नहीं पढ़ा होगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड क्लोरिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्ट सॉल्ट करते हैं सॉल्ट को हम बेसिकली मिक्स करते हैं आइज में ऑन द आईसी रोड्स पे ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था हार्डेस्ट जो है वो आपकी टीथ एनिमल होते हैं जबड़े जब जो हैं मैं बोन एनिमल डेंटाइन डेंटाइन नील नील्स तो आपके हार्डेस्ट हो ही नहीं सकती इतनी ईजली टूट जाते हैं बोन और एनिमल में आप बात करोगे तो एनिमल इज़ द हार्डेस्ट substance in the human body a person with the color blindness cannot distinguish between the red and the green yellow yellow and the white green and the blue red and the green red and the yellow तो जो बेसिकली जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं द गैस विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोटोसिंथेसिस तो फोटो प्रोसेस है जो आपके प्लांट होते हैं वो फोटो करते हैं तो फोटो में आपका ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे जो आपका फोटो प्रोसेस है जो आपके प्लांट्स करते हैं फोटो प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो आपका ऑक्सीजन रिलीज करती है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलाए ऑफ जिन कैन लैट कॉपर एंड आयरन टीन एन लेट कार्बन एंड टीन आंसर हो जाएगा आपका टिन एंड टिन एन लेट थक गए होंगे क्वेश्चंस को मैं जल्दी बस फिनिश कर रही हूँ कुछ ही बचे हुए हैं दरा प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा ऐसा पॉल्यूटेंट निकलता है उसका मेन सोर्स क्या है इंडस्ट्रियल प्रोसेस फ्यूल कम्बशन ट्रांसपोर्टेशन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल तो वन ऑफ द मेन प्राइमरी सोर्स है आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन जो आप वेकल वगैरह यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ठीक है द विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर तो जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है प्यूटरी ग्लैंड थाइराइड हाइपोथैलमस एडर्नल तो बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन करता है वो है आपका हाइपोथैलमस ग्लैंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो लैक्टो बेलिस है बेसिलिस है वो कहाँ पाया जाता है तो लैक्टो नाम आ गया तो आप अपने आप ही ऑप्शंस को आप कट आउट कर सकते हो मतलब कट आउट कर सकते हो केक कट ब्रेड केक और ब्रेड तो कट हो जाएंगे क्योंकि लैक्टो जो वर्ड है बेसिकली वो मिल्क से रहते है, लैक्टोज तो मतलब लैक्टोज नहीं सॉरी लैक जो आपका लैक्ट वर्ड है बेसिकली जो आपकी मेजरिंग के लिए मिल्क की कंसनट्रेशन को मेजरिंग करने के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर मिल्क से रिलेटेड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज कर्ड ठीक है तो लैक्टोबेसिलस जो है आपका बेसिकली कर्ड में पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम सी कहते हैं माइक्रो ओवन सोलर हीटर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन तो रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत हार्मफुल था जो स्ट्रेटो स्टेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है जो गुड ओजोन लेयर है जो अल्ट्रा वोलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है उसको डिप्लेट करने का काम आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है बैंबू इज क्लासीफाइड एज अ ग्रास ट्री श्रब हेम्बू जो है वो आपका एज अ ग्रास क्लासीफाई होता है दैट्स सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो होपफुली आपको ये मराथन क्लास आपको पसंद आ रही होगी मैं इंग्लिश की भी एक मराथन क्लास लेना चाह रही हूँ जिसमें प्रपोजिशन वगैरह मैं आपको करा दूँ जो ईजिएस्ट टॉपिक है जिनसे स्कोर करना आपको बहुत आसान होगा तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कुछ क्वेश्चन जो इसमें आपको डाउट हो फील फ्री टू आस्क सीरियसली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछो बाकी बच्चे भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन एक बार विजिट करो कोई क्वेश्चन होता है जिसमें दो ऑप्शन सही हैं या कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है या कभी जल्दी जल्दी में मैंने ही कोई गलत आंसर टिक कर दिया होगा तो उसको हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक या दो क्वेश्चन आपके आगे पीछे नहीं हो जाते हैं जिसमें आपको मार्क्स फ्री मिल जाते हैं या टीचर से किसी से मिस्टेक नहीं हो जाती है तो बस अब अपनी मेहनत करो होपफुली आपको ये जितने आपके 150 फिफ्टी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रही हो मेरे वीडियो सुनने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे तो प्लीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मराथन आप बार बार देखो इससे आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी और एटलीस्ट जनरल साइंस को अब आप एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के चलोगे तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना सो दैट कि मैं आगे की